हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिश विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे और इससे कुछ डिफिनेशन निकालेंगे जिसकी हमें आगे के डेरिवेशन में आवश्यकता है, और ये बहुत जरूरी है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत जरूरी है और बोर्ड के लिए भी बच्चों को ये जानना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो है आगे के इंटीग्रेशन लेवल के डेरिवेशन जो है संभव नहीं हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला, इसका मेन हेडिंग जो हमारा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बच्चों, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश ऑब्जेक्ट पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वितरित हो जाए, तो इसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे हमारा पेन है, इस पे हम क्यों आवेश दे दें तो ये आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए, या कोई इस टाइप की वस्तु है, ये है, ये वैल्यूम है, इस पे प्लस क्यों आवेश दे दें तो चारों तरफ से एक समान रूप से वितरित हो जाए, या बुक है उसके बाह चारों तरफ आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए। तो एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया जाता है तो यह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है। जैसे एक ये है वायर टाइप में हो, यह लेंथ का वायर हो, या वो सीधा लेंथ का वायर हो, या कर्व के आकार का हो, इससे मतलब नहीं है। यदि इसको हम लोग आवेश देते हैं तो यह आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक तो ये है, और ये कोई वस्तु है जिसको आवेश दिया जाए और आवेश उसके, ये तो एक रेखा वायर है, जैसे गेंद ले लें, स्फीयर को चार्ज दिया जाए, उसके ऊपरी पृष्ठ पर अगर वितरित हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो उसे कहा जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर वो वॉल्यूम में पूरी तरह वितरित हो जाए, वॉल्यूम में ये चार्ज क्यू जो हम लोग देते हैं पूरे वॉल्यूम में वितरित हो जाए, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो उसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन प्रकार का होता है। अब ये तीनों की डिफिनेशन यहां कोई मतलब नहीं है, इससे जो निकल के आता है जिसकी हमें आवश्यकता है वो आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जैसे यह लेंथ का एक वायर है, ये वो सीधा वायर है या कर्व के आकार का, इससे मतलब नहीं है। हम उसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उस वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो चार्ज वायर की या कर्व के आकार के वायर की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित जो चार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज होता है, उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। चार्ज, अरे भाई पूरा चार्ज क्यों चार्ज वितरित है, तो क्यू चार्ज वितरित है यह लेंथ में, तो यूनिट चार्ज वितरित होगा। तो जैसे चूंकि यह लेंथ में जो है वितरित आवेश की मात्रा क्यू कूलम है, इसलिए यूनिट लेंथ में वितरित आवेश की मात्रा वो हो जाएगी क्या, क्यू अपान यल। और यूनिट लेंथ में वितरित आवेश की मात्रा को, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की अमाउंट को ही कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे लैम्डा से डिनोटेड किया जाता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, आपको बच्चों आज से जानना है, क्यू अपान एल। ये बहुत कीमती है, इसे आप ध्यान दें। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट जो होता है कूलम पर मीटर, चार्ज के यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट मीटर, कूलम पर मीटर, सी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और एम स्मॉल लेटर में। तो ये आपका हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी।
तो यहाँ लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो परिभाषा वैलिड है रेखीय आवेश वितरण की दशा में, रेखीय आवेश वितरण का इसका मतलब है रेखीय आवेश वितरण, वो रेखा में होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए, चाहे वो कर्व के आकार का हो, कर्व में हो या स्ट्रेट लाइन में हो, इससे नहीं मतलब है। तो रेखीय आवेश वितरण का, रेखीय आवेश वितरण का इसका मतलब होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण की दशा में चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बस इतना ही हमारे लिए काफी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स डिनोटेड लैम्डा, इट्स एसआई यूनिट इज इक्वल टू कूलम पर मीटर। बस इतना ही हमें जानना था बच्चों। तो आप एक हेडिंग उतार लीजिए, इतना हमारा कंप्लीट हो गया जिसको हमें आवश्यकता है आगे। अब इसका हम दूसरा हेडिंग यहीं लिख देते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के स्थान पे दूसरा हेडिंग है सरफेस, सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में बच्चों फिर अब की बार इस टाइप से रहेगा, प्लस क्यू आवेश जो है पृष्ठ पर जो है वितरित रहेगा, ये क्यू आवेश है पृष्ठ पर वितरित रहेगा। तो अब की बार और स्फीयर है तो इसकी रेडियस आर होगी, स्फीयर, स्फीयर है तो रेडियस आर होगी। फिर देखें यही डिफिनेशन फिर हमारा काम कर लेगा। हाँ, यस यस यस। तो यहां देखें तो पर यूनिट ये नहीं रहेगा और बस इतने से काम चल जाएगा। हाँ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट्स डिनोटेड स्मॉल सिग्मा। ध्यान दें अगर कोई स्फीयर है इस टाइप से कोई है तो हमें जो इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम हल करेंगे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही केस हम लोग हल करेंगे इस चैप्टर में। हाँ, आगे के चैप्टर में ये प्रयोग होगा जो अब मैं बताने जा रहा हूं, इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में बस वही लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल इतने की ही आवश्यकता है हमें। हाँ, दूसरा हेडिंग है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जब किसी स्फीयर को या वह आकृति को हम लोग चार्ज देते हैं तो उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस पर पूरा वितरित हो जाए तो इस केस में कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो रेखीय आवेश वितरण होता है जो हिंदी में इसका नाम है रेखीय आवेश वितरण, सरफेस आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों ये नाम है हिंदी इंग्लिश में, जिसमें मैं डेंसिटी वाला डिफिनेशन सब लिखाना चाहता हूं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता है। तो इसमें डेंस ये सरफेस पर वितरित है, मतलब यहां एरिया लिया जाएगा, तो यहां है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स डिनोटेड स्मॉल सिग्मा। तो छोटा सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, बस इसका यूनिट जो हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं बच्चों, अगर ये बात हो जाए तो वो एरिया पर बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है तो एरिया से उसका संबंध होता है। अब एरिया अगर ये स्फीयर है तो यहां
स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² रखा जाएगा। जब इसका आएगा कॉन्सेप्ट तो हम बताएंगे। तो बहरहाल इतना यहां जानना, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स डिनोटेड सिग्मा, इट्स यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। बस इतना हमें जानना है। अब ये हो गया तो अब इसी में तो परिवर्तन करके तीनों डिफिनेशन हम कर देते हैं। तो ये ध्यान देना है, एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीसरा और अंतिम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो बस बच्चों देखें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। तीसरा और अंतिम हेडिंग जो इसका डिफिनेशन हमें बताना था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट्स डिनोटेड रो, इट्स डिनोटेड रो। तो रो इज इक्वल टू बच्चों यहां पर होता है, रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। मतलब अब की बार आवेश बच्चों केवल पृष्ठ पर नहीं पूरे वॉल्यूम पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और वॉल्यूम किसका होता है, जिसमें हाइट होती है, जिसे स्फीयर हुआ, क्यूब हुआ, इस सब में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अगर स्फीयर को क्यू चार्ज दिया जाए और क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो उस दशा में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यहां पर चूंकि वी वॉल्यूम पर चार्ज वितरित होता है क्यू कूलम, इसलिए यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज वितरित होगा क्यू अपान वी, और यूनिट वॉल्यूम पर वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसे रो से डिनोटेड करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट्स डिनोटेड रो, इट्स यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। बस हमें इतने की जरूरत है। तो बच्चों तीनों डिफिनेशन हम पढ़ा चुके, आप इसे उतार लें सफाई से और फिर अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर अब हम लोग प्रॉब्लम हल करते हैं। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले हम लोग जो कूलाम के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त किए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग प्राप्त किए। लेकिन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में पहला सवाल है, मान लेते हैं एक कैपिटल एल लंबाई का वायर है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता, प्लस क्यू आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब इस वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है पॉइंट पी पर। अब बताइए क्या किया जाए, अगर ये बिंदु आवेश होता तो यहां पर पॉइंट चार्ज के क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू ओपन आर स्क्वायर कर देते, हो जाता। लेकिन ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे केस में क्या किया जाए। ऐसे केस में हो सकता है कुछ विद्यार्थी सोच रहे हो कि पूरे चार्ज का सेंटर ऑफ मास ले लिया जाए, पूरे चार्ज को सेंटर पर मान लिया जाए। तो इतना डिस्टेंस मतलब इसका एल बाई टू प्लस ए धन एल बाई टू डिस्टेंस पर पूरे चार्ज क्यू को सेंटर पर मान ले, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे आवेश को सेंटर पर मान ले, तब निकाल ले। तो विद्यार्थी ये सब सोचना एकदम गलत है, तो ये नहीं होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिफॉर्मली रूप से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके कारण जो है किसी बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हमें इंटीग्रेशन थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए बच्चों हम लोग
पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में ले लेते हैं और किसी एक एलिमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेते हैं। तो चलो यहां एक इलेक्ट्रिक एक एलिमेंटल लेंथ काट लेते हैं, ये ले लिए, और ये चार्ज को क्या मान ले रहे हैं, डी क्यू है इस, यस यस यस, ये डी एक्स लंबाई मान लेते हैं जो छोटा सा काटा है, और इसका चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा, और यहां से इसकी पी से दूरी को क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, यहां से पी की दूरी को क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। ध्यान दें, ये भी मानने का एक तरीका होता है, अगर ये डी एक्स तब लेंगे जब ये डिस्टेंस पी से क्या मानेंगे, एक्स डिस्टेंस, ये जो डी क्यू चार्ज हमको मिला है डी एक्स लेंथ का, डी एक्स लेंथ लेंगे तो ये वाली लेंथ को एक्स मानना चाहिए, अगर यहां डी एल लेंगे तो इसे एल कहना चाहिए, ये कह रहा हूं। इंटीग्रेशन के सवाल लगाने का जो तरीका होता है तो थोड़ा सिमिलरिटी पे भी ध्यान दिया जाता है, डी एक्स है तो पूरी लंबाई, यहां से इसकी दूरी छोटे भाग का एक्स, डी एक्स लिए हैं तो इसका बड़ा भाग क्या एक्स होगा, अगर इसे डी एल लिए तो इसे एल मानना चाहिए, तो ये कह रहा हूं। अब ये छोटा चार्ज डी क्यू चार्ज बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, डी क्यू चार्ज बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज देन तब क्या होगा, ये छोटा चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है, तब इस छोटे चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डीई हो जाएगा, क्योंकि पूरे के कारण ई नेट निकालना है, तो छोटे के कारण एक ई नेट इज इक्वल टू होता है के क्यू अपान एक्स स्क्वायर हो गया, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर हो गया, हमें तो पूरे वायर के कारण चाहिए बच्चों, तो अब बताइए पूरे वायर के कारण चाहिए तो इसका हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन जो है एक्स के टर्म में हो नहीं सकता, तो पूरे वायर के कारण इंटीग्रेशन, तो ई नेट कैसे होगा, ई नेट यहां लिख देते हैं एट पॉइंट पी, चलो ठीक है, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन लेंगे, यहां लिखेंगे क्या डी ई लिखेंगे, अब बताइए लिमिट क्या लगाया जाए, लिमिट यहां से ये ए डिस्टेंस पर है तो ए हो गया, और यहां से इसकी दूरी ए प्लस एल है, तो यहां लिमिट क्या लिया जाएगा, ए प्लस एल लिया जाएगा, हाँ अब बराबर नीचे ये रखते चले हमें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल, तो डी ई के स्थान पर हम लोग लिखेंगे के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, बच्चों ये लिख लिए, अब हमारे लिए समस्या ये है कि सॉरी क्यू यहां नहीं रहेगा, यहां तो डी क्यू चार्ज रहेगा, डी क्यू चार्ज रहेगा, अब डी क्यू यहां छोटा चार्ज है, हमें पूरा चार्ज क्यू चाहिए, तो इसका मतलब डी क्यू भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, अब इसका डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन इस टर्म में नहीं हो सकता, अब हम लोग जो थ्योरी अभी जस्ट पढ़े हैं, अभी जस्ट थ्योरी क्या पढ़े हैं, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एल, या बच्चों इसे लिख सकते हैं डी क्यू अपान डी एल भी लिख सकते हैं, डी एल नहीं यहां डी एक्स कहेंगे, यहां क्या कहेंगे डी एक्स कहेंगे, अब कहिए ये कैसे, यस इसे देखें खूब ध्यान से देखें, तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, खुद सावधानी पूर्वक देखें, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स डिनोटेड लैम्डा, अब ये पूरा चार्ज और पूरा लेंथ है, ये है छोटा चार्ज और छोटा लेंथ है, तो ये रेशियो दोनों का हमेशा सेम आएगा, जब लैम्डा की लास्ट में हमको वैल्यू रखनी होगी तो हम क्यू अपान एल वाली वैल्यू जो भी आएगा सोल्यूशन करने पर उसको वहां कैलकुलेशन करने पर जो भी आएगा उसको वहां रख देंगे, अब यहां dq को हटाने के लिए एक रास्ता हमारे पास है, देखिए dq इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, यहां पे हम लोग प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, चलिए बच्चों करते हैं,
ये हो जाएगा ए ए प्लस ई एल के डी क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं के और लैम्डा ये कांस्टेंट है, इसे हमको बाहर कर लेना चाहिए। ये हो जाएगा के लैम्डा बाहर हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अब हम यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आपसे कहे हैं कि वीडियो मैथमेटिकल टूल्स आप देखकर ही ये डेरिवेशन कर सकते हैं, और ये शायद ये जो है हमारी जानकारी में जहां तक है बोर्ड में भी आया है। तो बहरहाल इस टाइप का ज्यादा तो केस तो है कंपटीशन के लिए है, जेई के लिए है, नीट के लिए है, लेकिन बोर्ड में भी ये वाला डेरिवेशन आया हुआ है। अब यहां चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा के लैम्डा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, यहां लिमिट है ए बच्चों ए प्लस एल हो, इतना प्लस वन मतलब एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन और लिमिट है ए ए प्लस एल हो गया। तो के लैम्डा ये ऊपर एक्स पावर माइनस वन अपान माइनस वन आएगा, तो माइनस वन अपान एक्स भी लिख सकते हैं ए और ए प्लस एल। तो ये हो गया के लैम्डा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस वन अपान ए प्लस एल हो गया, एक माइनस सूत्र वाला एक इसका अपना माइनस, तो ये हो गया प्लस वन अपान ए। या इसे सफाई से लिखना चाहे ई नेट, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा इन ब्रैकेट वन अपान ए माइनस वन अपान ए प्लस एल। ये बच्चों आपका डेरिवेशन हुआ। तो एक एल लेंथ का वायर है, उसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण उससे स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें ई नेट ज्ञात करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आज से चाहे तो फार्मूला आप समझें, अगर वो ऑप्शन वाला सवाल है तो जो आपको फार्मूला ही पढ़ लेना चाहिए। ध्यान दें लैम्डा के स्थान पे जब वैल्यू लिखने की बात आएगी, मैं तो यहां नहीं लिखूंगा लैम्डा के स्थान पे क्यू अपान एल लिख सकते हैं आप, ये क्यू अपान एल ये नहीं लिखेंगे, ये तो ये हटाने के लिए आता है, रेशियो में सब बराबर है। तो लैम्डा के स्थान पे क्यू अपान एल, क्यू शायद आपको ज्ञात रहे, यल शायद आपको ज्ञात रहे, तो ज्ञात वैल्यू लाके यहां पे रख दीजिएगा, लेकिन यहां रखना ठीक नहीं है, सूत्र गंदा हो जाएगा। तो आप बच्चों इसे उतार लीजिए। एक चीज और बच्चों, ये प्लस है तो इसका डायरेक्शन जो है टुवार्ड्स पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, टुवार्ड्स पी, टुवार्ड्स पी, इसका डायरेक्शन पी की ओर होगा। तो हाँ विद्यार्थी आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेमी सर्कुलर वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, जिस पर प्लस क्यू, जिस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस कैपिटल आर है। तो इसके सेंटर पर फाइंड ई नेट एट पॉइंट ओ, फाइंड ई नेट एट पॉइंट ओ बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए हम जो है थीटा कोण पर एक कंपोनेंट ले लेते हैं बच्चों, थीटा कोण पर एक कंपोनेंट, एक एलिमेंट ले लेते हैं, इस एलिमेंट का नाम है डीएल और इसका चार्ज डी क्यू मान लेते हैं, टोटल चार्ज क्यू है। अब ये जो है ये, अब यहां थीटा हमारे लिए वेरिएबल है जो हमको इंटीग्रेशन करना है पूरे वायर के कारण, पूरे वायर के कारण जो है ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो यहां थीटा जीरो से लेकर चलेंगे 180 तक, जीरो से लेकर पाई तक हम लोग चलेंगे, तो जीरो से लेकर पाई तक चलेंगे। तो यहां थीटा का कंपोनेंट लेते हैं बच्चों, ध्यान दें इस एलिमेंट के कारण इस दिशा में जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो डीई होगा, वो डीई होगा।
ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस दिशा में जो हो जाएगा वो हो जाएगा DE cos थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। तो ये बच्चों आया। अब देखते हैं, अब ये DE cos थीटा, इसका सिमिलरिटी केस यहां अगर आप ध्यान दें, इसके सीध पे यहां आवे और इसके सीध पे ठीक यहां आवे, अगर ये दोनों केस को चुना जाए तो ये सिमेट्री केस मिलेगा, सेम ऊंचाई पर मिलेगा, सेम सब कुछ। तो इसको अगर यहां से लेना चाहे हम लोग, ये वाला केस जो कि फिगर में दिखाने पे भीड़ बढ़ जाता है, ये डी थीटा है, ये वाला केस अगर ले कितने पर, इधर से भी थीटा रहेगा, इधर से भी थीटा रहेगा, तो फिर इसका भी, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, क्या इस एलिमेंट के कारण यहां डी ई आएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, इधर से थीटा होगा। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, भीड़ तो बच्चों बढ़ता जा रहा है, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा इस दिशा में, और फिर इस दिशा में डीई साइन थीटा इसके लिए भी जुड़ जाएगा, डीई साइन थीटा। तो हम समझते हैं, शायद आपको समझ में आ गया हो, शुरू से देखना चाहिए। अब भीड़ बढ़ने के बाद तो दिक्कत हो जाएगी। एक चीज और, डीई कॉस थीटा विल कैंसिल ड्यू टू सिमेट्री, यस वाई, ड्यू टू सिमेट्री एलिमेंट। ध्यान दें, तो जो डी कॉस थीटा है बच्चों, इस कंपोनेंट का डी साइन थीटा इधर मिला, डी कॉस थीटा इधर मिला, इसके सिमेट्री वाला इधर 100 फीसदी मिरर के तौर पे, यहां मिरर रखे तो इसका सिमेट्री यहां मिलेगा। तो ये कंपोनेंट लेते हैं तो फिर वही केस आता है। तो ये कंपोनेंट लेंगे, डी इधर आएगा, ये थीटा होगा, तो इधर डी ई साइन थीटा, नीचे की ओर डी ई कॉस थीटा उधर जाएगा, तो ये डी ई कॉस थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे भाई यहां लेंगे तो उसका सिमेट्री यहां मिलेगा, यहां लेंगे कहीं भी लेंगे कटता चला जाएगा। केवल एक बिंदु यहां है, अगर यहां एलिमेंट लेंथ डीएल लेते हैं तो वो वहां पे नहीं करेगा, क्योंकि वहां से दोनों दिशाओं में लंबवत हो जाएगा। तो यहां तो डीई सीधे आएगा, यहां से वो डीई साइन 90 अंश, और अगर कंपोनेंट लेंगे डीई कॉस 90 अंश, तो यही एक ऐसा केस है जिसका मिरर एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा, सिमेट्री वाला केस नहीं मिलेगा, और आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि डीई कॉस 90, कॉस 90 मान 0 होता है, तो वो कट जाएगा। हम समझते हैं कि ये फिगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, मतलब डीई कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में योगदान नहीं करेगा, हर केस में मिलेगा, ये मिरर एलिमेंट मिलेगा, केवल यही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, डी साइन थीटा ढूंढता चला जाएगा, अंत में सेमी सर्किल के लिए टोटल जोड़ लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन टोटल जोड़ना कठिन बात है, इसके लिए बताया गया है इंटीग्रेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं, तो ये dq चार्ज के कारण ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल dq के लिए, तो ये होगा dE इक्वल टू होगा k dq upon r square, इसका रेडियस r है, यहां लिखा भी है, ये होगा तो e net बच्चों इसके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा DE, और लिमिट हो जाएगा 0 से π 180 अंश के लिए, तो हाँ विद्यार्थी देखें ये हमारा DE आ गया। अब DE तो आ गया, अब यहां वैल्यू रखें 0 से π, और DE के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे k dq upon x square, तो यहां x का dq के रूप में मतलब इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, dq भी यहां वेरिएबल है, पूरा चार्ज q है, तो dq को बच्चों हटाना होगा। हटाने के लिए थ्योरी हमारे पास है,
ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, मतलब कर्व के आकार का एक वायर है। तो यहां भी ये क्यू अपान एल होता है, एल मतलब पूरी परिधि की लंबाई 2 पाई आर होती, तो यहां क्या होगा पाई आर होगा, पाई आर होगा, बहरहाल इसकी हमें आवश्यकता नहीं। और यहां लिखा जाएगा डी क्यू अपान डी एल, ये हो जाएगा छोटे चार्ज के लिए लिखा जाएगा। तो डी क्यू के स्थान पर बच्चों डी क्यू के स्थान पर लैम्डा डी एल यहां पे लिख सकते हैं, तो के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई डी क्यू के स्थान पर लैम्डा लैम्डा डी एल अपान एक्स स्क्वायर, इतना हुआ। फिर भी डी एल का एक्स कहां से आ गया, आर है बच्चों, आर स्क्वायर आ गया। फिर इसमें जो हमारे यहां वेरिएबल है बच्चों वो थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन मेरे को करना है, थीटा जीरो से लेकर कहां तक 180 तक करना है हमको, थीटा के टर्म में करना है। तो जाहिर है कि बच्चों हमें डीएल भी हटाना पड़ेगा, डीएल हटाना पड़ेगा। तो एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, आर्क इज इक्वल टू सॉरी एंगल डी थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क हो जाएगा डीएल अपॉन रेडियस कितना हो जाएगा आर, ये भी हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो डीएल के स्थान में बच्चों लिख लेंगे आर डी थीटा, डीएल के स्थान पर लिख लेंगे आर डी थीटा। सॉरी एक चीज और, ई नेट जो है, ई नेट जो है ये नहीं आएगा, ई नेट आएगा डीई साइन थीटा, एक एलिमेंट के लिए डी साइन थीटा, दो एलिमेंट के लिए 2d साइन थीटा, तो यहां साइन थीटा भी लिखते चलना चाहिए था, अभी उसे हटाएंगे, तो यहां भी साइन थीटा लिखो, ठीक है। अरे भाई ये तो डी का सीटा, डी का सीटा कट गया, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है डायरेक्शन में वो डी साइन थीटा एक एलिमेंट के लिए आ रहा है, तो सभी एलिमेंट के लिए इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से पाई तक के लिए। हाँ तो डीएल के स्थान बच्चों लिखेंगे आर डी थीटा, तो के लैम्डा भी चाहे बाहर कर लो जीरो से पाई, डीएल के स्थान पर लिखेंगे आर डी थीटा, आर डी थीटा और साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार और इसे सफाई से लिख देते हैं, के लैम्डा इंटीग्रेशन जीरो से पाई ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो बच्चों यहां तक हम लोग पहुंचे, अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा हमें जगह की आवश्यकता है, इसलिए हमें ये सब को साफ करना पड़ेगा। अब फिर देखें यहां क्या होगा, हाँ यहां देखें तो ये हो जाएगा के लैम्डा जो होता है माइनस कॉस थीटा, जीरो से पाई लिमिट लगाएंगे तो के लैम्डा हो गया माइनस कास पाई, माइनस माइनस प्लस कास जीरो, कास 180 माइनस एक होता है और कास जीरो मान एक होता है, तो माइनस माइनस ये एक एक दो हो जाएगा, तो आ गया 2k लैम्डा, 2k लैम्डा आ गया बच्चों। एक मिनट, तो हाँ बच्चों देखें यहां आर जो है, हर में आर बचा था, एक आर यहां बाहर ले लिए, तो आया साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या माइनस कॉस थीटा जीरो से पाई, अब आर भी बाहर हो गया, ये हर में आर आया था यार, यहां देखो आर था तो नीचे आया, हर भी आर आ गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 180 यहां रखे, कॉस माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो लोअर लिमिट, तो ये कॉस 180 मान माइनस एक होता है, माइनस पहले से है तो एक हो जाएगा, एक का जीरो मान एक होता है, एक एक दो हो गया, तो हो गया 2k लैम्डा अपान आर। तो ई नेट बराबर आया बच्चों 2k लैम्डा अपान आर, जब लैम्डा की वैल्यू बच्चों इसमें रखना होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान पाई आर रखना होगा। तो बच्चों ये निगमन तो यहां खत्म हो गया है, लेकिन इसका एक कोऑर्डिनेट वाला हमको बताना है, इसका दो केस और अभी हमको बताना है, तब जाके ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है, ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।